आज मैं जा रहा हूँ इस बड़ी सी बिल्डिंग के 26वें माले पर काम करने। तो गाइस आज होलिका दहन के दिन होली जलने से पहले ही मैं अपने अंदर के आलसपन को जला के ऊपर वाले से काम मिलने का आशीर्वाद लेके मैं निकल जाता हूँ नाके पर जाने के लिए। लेकिन उससे पहले एटीएम से पैसे निकाल के मेरे दोस्त की डायरी पर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से घर वाले बाद में आके ले लेंगे। खैर उसके बाद मैं स्टेशन पर पहुंच जाता हूँ, जहाँ से ट्रेन पकड़ के फ्री बॉडी मसाज का लाभ लेते लेते बोरीवली पहुंच जाता हूँ। गाइस ये है हमारा नाका और अब पहले मैं काम ढूंढ लूँ। खैर यार मुझे काम तो मिल गया और मुझे इनके साथ काम पर जाना है। तो बोरीवली वेस्ट से बोरीवली ईस्ट में आने के बाद थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम लोग मंजिल पर पहुंच जाते। लेकिन अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। खैर थोड़ी देर बाद हम लोग एंट्री मिल जाती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जाऊं कहां। खैर उसके बाद जैसे तैसे साइड पर पहुंच जाते हैं, जहां से ये देखो यार 26वें माले से बाहर का नजारा क्या मस्त लग रहा है। खैर आज हम लोग किचन के नीचे का ओटला बनाना था, तो दिन भर मेहनत करने के बाद हम लोग ओटला बना देते और जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाते। लेकिन यार सबर का फल मीठा जरूर होता है, लेकिन ज्यादा सबर करने से फल पर कीड़े भी लग जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मेरी मेहनत का फल कीड़े खा चुके हैं। खैर यार घर आने के बाद मैं देखता हूं कि नीचे इन वायर्स की वजह से